नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार पब्लिक सर्वे कर रहे हैं, लगातार डेरा सच्चा सौदा वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा के बारे में पब्लिक से सीधी बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ वहाँ जाने वाले लोग हैं, वो जुड़ रहे हैं, उनसे साथ सीधी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र कुमार इंसान। कितने समय से आ रहे हो सर डेरा सच्चा सौदा में? 25 साल से। कितना विश्वास करते हो सर गुरु जी के? बहुत बेहतर विश्वास है। क्यों विश्वास करते हो सर? आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया जो आज भी आप गुरु जी के ऊपर विश्वास करते हो? बहुत ज़्यादा बदलाव आया, क्योंकि जिसने राक्षसों से इंसान बना दिए, ये तो हमारे लिए भगवान है जी। हमने और भगवान को देखा नहीं, हमारे लिए तो यही भगवान है। भगवान क्यों कहते हो? ऐसा क्या किया है उन्होंने? क्योंकि देखो जी, जिस सतगुरु ने हमारी ज़िंदगी, जब हम पता नहीं एक बुरे कर्मों में, पाप कर्म में फंस रहे थे, तो इन पाप कर्मों से, दुष्कर्मों से निकाल के हमारे ज़िंदगी ऐसी बना दी कि स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर बना दी ज़िंदगी हमारी। तो ऐसे देवता को तो हम सत सत नमन करते हैं, ये हमारे लिए भगवान है, सब कुछ है ये। लेकिन इनके ऊपर तो बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं सर। ये तो आरोप बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि सच हमेशा कड़वा लगता है। जो भी जिस भी संत ने दुनिया से बुराई को उठाने का, जड़ से ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है, उसी संत के पीछे दुनिया वाले पड़ गए, सरकारें पड़ गई। जो बुराई के नुमाइंदे हैं, जिनके धंधे बंद हो गए, तो वो पीछे पड़ गए। तो सच तो सच ही है, किस संत को जेल में नहीं, किस संत के ऊपर आरोप नहीं लगाया दुनिया ने? पिछला इतिहास उठा के देखो, हर संत के ऊपर जो है ना अत्याचार किया दुनिया वालों ने, और हर संत को जेल के अंदर डाल दिया। सर मीडिया में भी काफ़ी प्रचार किया जा रहा था 4 साल पहले। मीडिया वाले तो बिकाऊ हैं, मीडिया वालों ने तो इतना गंदा काम किया कि इनके ऊपर कीचड़ उछाला। हर चैनल ने, हर मीडिया वाले ने पैसे लेके, या कौन बिका हुआ, बस सौदा सारा ही बिका हुआ आजकल। सर यहाँ आने वाली लड़कियों की इज्जत को भी तार तार किया जा रहा था, जो आश्रम में करोड़ों लेडीज आती हैं, क्या कहना चाहोगे ऐसे खबरों के, ऐसे लोगों को? ये तो एक राम की नगरी है, स्वर्ग से सुंदर नगरी है ये। तो मैंने पहले ही बता दिया, तो जो बुराई के नुमाइंदे हैं वो तो कुछ कुछ अपना इल्ज़ाम लगाएंगे, बाकी हर बेटा बेटी यहाँ पे सुरक्षित है। कोई ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि अभी सतगुरु ने अच्छी शिक्षा दी है। 136 मानवता भलाई के कार्य चला रहे हैं, तो हर शिक्षा सतगुरु ने ऐसी दी है कि आप जो ना अच्छे भले ने काम करो। 4 सालों से गुरुजी नहीं है समाज में, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? समाज के ऊपर अब आप ये देखो, पिताजी ने 5 मूवीज बनाई, तो पिताजी ने पहले ही, गुरुजी ने कह दिया था, भाई जो दिखाएंगे रियल दिखाएंगे, सच दिखाएंगे। तो जो कुछ हमने मूवियों में देखा, जो पिताजी की बनाई हुई फिल्मों में देखा, तो सारा कुछ हमारे सामने आ रहा है। ये जो तामझाम हो रहा है दुनिया के अंदर, महामारी है या जो अत्याचार हो रहे हैं, ये सतगुरु ने पहले दिखा रखा है कि भी ऐसी महामारी आएगी कि 12 कोस पे दीवा पड़ेगा, कि उसका कोई लाइलाज बीमारी होगी। जो अब सतगुरु को जो है ना कुछ दिन के लिए थोड़ी देर के लिए बेल मिली थी, तो पिताजी ने बाहर आते ही, एक उनका तो ये टेस्ट का तो बहाना था, और पिताजी ने कोरोना को भगाना था, तो गुड़गांव में गए टेस्ट के लिए। तो पिताजी ने ये कह दिया, भाई हर वैज्ञानिक को, हर डॉक्टर को ऐसी सुमति दे दी कि भाई कोरोना जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा। और आप देख ही रहे हैं भाई क्या हाल रहा है दूसरी लहर के अंदर, तो ये बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा सतगुरु की रहमत से। ज़रूरत है सर उनकी समाज को? बिल्कुल ज़रूरत है समाज को, क्या पत्ते पत्ते में नाम होगा। क्या अपील करोगे आप सर? हाँ जी, क्या अपील करना चाहोगे? हम तो अपील सदा यही कर रहे हैं, अभी हमारे सतगुरु को जल्दी अपना रिहा किया जाए। लोगों का विश्वास आज भी लगातार बरकरार है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा के साथ। लगातार आप भी जुड़े रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।